हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अजय विद्याज्ञान में। आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है विद्याज्ञान स्कूल मेन एग्जाम में, अब उनको एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, मेरा नाम अजय कुमार है और मुझे बहुत सारे बच्चों की लगातार कॉल्स, मैसेज और कमेंट आ रही थी कि भैया वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि मैंने कॉल लेटर के ऊपर तो वीडियो बना दिया कि बच्चों को कॉल लेटर आ गया, अब एडमिशन के लिए आपको बुलाया है 24 मार्च से। अब आगे का प्रोसेस क्या है? तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ही कमेंट आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं वो अपना अपना प्रिडिक्शन एक टाइप से दे रहे हैं। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में समझाने वाला हूँ किस तरीके से आगे का क्या प्रोसेस है, मेडिकल होगा या फिर नहीं, इंटरव्यू होगा या फिर नहीं, मेडिकल में क्या चेक होगा और आगे जाके क्या एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चैनल से लगभग 50 से ज़्यादा बच्चों का मेंस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है और मेरे पास जो कॉल लेटर अभी 33 की संख्या में कॉल लेटर आया है बच्चों के पास। धीरे धीरे हर दिन बच्चे कॉल लेटर भेज रहे हैं और बड़ी खुशी होती है कि जब बच्चों का सिलेक्शन होता है बच्चे अपना वीडियो भेजते हैं। आपने वीडियो भी देखा होगा, हमारी टीम ने अपलोड भी किया वीडियो कि बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है कैसे कैसे। तो अगर आपका भी कोई बच्चा है जो नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए तैयारी करना चाहता है विद्याज्ञान स्कूल की, वो हमारे चैनल से कर सकता है। हमारे यहाँ पर ऐप बनाया जाएगा 2024 के लिए, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कीमत पर, बहुत ही कम रेट में आप तैयारी कर सकते हो। और आपको पता है कि विद्याज्ञान स्कूल की जो तैयारी करवाने वाला नंबर वन चैनल है हमारा, क्वालिटी के साथ हम काम करते हैं, क्वांटिटी के नहीं करते, ठीक है। क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सिलेक्शन हम आपका निश्चित करते हैं। तो अगर कोई भी आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है जो अभी फोर्थ क्लास में, फिफ्थ में आने वाला है, तैयारी करे विद्याज्ञान की, तो आप हमारे साथ करिएगा। अब सुनिए इस वीडियो का मेन बात क्या। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को जिनका सिलेक्शन हुआ है विद्याज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा में। अब आपको एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है। एडमिशन का जो काम है वो 24 मार्च से शुरू हो रहा है। 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, लगभग 4-5 दिन ये एडमिशन का पीरियड चलने वाला है। सभी को इसी इन्हीं की डेट में बुलाया जाएगा और कब किसको जाना है उसके कॉल लेटर में लिखा रहेगा। अब यहाँ पर एक डाउट और आता है कि भैया कॉल लेटर नहीं आए तो क्या करें, हमारे पास टीम तो आई पर कॉल लेटर नहीं आया। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आपके पास टीम आई तो कॉल लेटर भी जरूर आएगा, अगर नहीं आता है तो आपके पास विद्याज्ञान स्कूल की तरफ से कॉल भी आएगा। देखिए कॉल इसलिए आएगा आपको कंफर्म करने के लिए कि आपके पास वो कॉल लेटर रिसीव नहीं हुआ, तो उनके पास वो सारी डिटेल्स रहती हैं कि किसके पास कॉल लेटर पहुंचा है। जब आप बाय पोस्ट ऑफिस से कुछ चीज़ लेने जाते हो, सपोज करो आपका कॉल लेटर आया किसी बच्चे का, तो वहाँ पर आपको सिग्नेचर करना पड़ता है ना, आपके नाम से आता है, एड्रेस होता है, सब कुछ। तो वहाँ पर आपको एक, जब आप उसको कॉल लेटर को लेने से पहले वो आपसे साइन करवाते हैं, फ़ोन पे करवाते हैं, कागज़ पे करवाते हैं, दोनों चीज़ों पे करवाते हैं। तो जब तक वो नहीं होता तब तक आपको वो पोस्ट नहीं देते आपका, तो जब वो हो जाता है तो वो आगे को ट्रांसफर करते हैं कि हमने आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसको जवाब देना पड़ता है कि आपने जो कुरियर भेजा था बच्चों, मतलब जिसको भी भेजा था हमने उनको दे दिया और ये उनके सिग्नेचर है प्राप्ति के, और वो आगे उनको प्राप्त कर देते हैं। तो आपके पास अगर विद्याज्ञान स्कूल की तरफ से टीम वेरिफिकेशन हुआ था, कॉल लेटर नहीं आया, तो आपके पास अगर कॉल लेटर नहीं आया है तो कॉल लेटर कहीं पर अटक गया है बीच में या फिर कुछ भी हो रहा है, तो क्या करते हैं वो शीघ्र ही उनको बता देते हैं विद्याज्ञान वालों को कि कॉल लेटर पहुंचा नहीं है बच्चों के पास। उनको सब कुछ पता रहता है और उनको ये भी पता रहता है कि कब एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो वो पहले पहले बच्चों को कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हुआ है, कॉल लेटर नहीं आ पाए किसी कारणवश, आपको एडमिशन के लिए आना है, चिंता मत कीजिए ना, सभी को बताया जाएगा, सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6280935779 पर कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। हमारी जो टीम के लोग हैं, हमारे जो साथ काम करने वाले हैं, वो आपसे बात कर लेंगे और आपको एक अच्छी राह बताएंगे, है ना, रास्ता दिखाएंगे। तो आप उन पर उस पर कॉल कर लेना। अब बात करते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। आगे का प्रोसेस अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको यहाँ से एडमिशन के लिए जाना है, वहाँ पर एडमिशन के लिए जाओगे, वहाँ पर आपकी एंट्री होगी। और सुनिएगा मेरी बात को, कॉल लेटर के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है कि किस किस को साथ में जाना है। अगर लड़का है तो लड़के के साथ केवल पापा जाएंगे, है ना, पापा मम्मी से एक, माता पिता में से एक जाएगा, यहाँ पर माता जा सकती है लड़के के साथ, यहाँ पर पिता जा सकते हैं, ओके। और अगर लड़की है तो आप दोनों जा सकते हो, लड़की के माता पिता दोनों जा सकते हैं, पर लड़के के लिए एक ही अलाउड है। तो लड़की है तो उनके पापा दोनों, माता पिता उन्हें छोड़ने के लिए जा सकते हैं। अब ये कंडीशन क्या है, अन्याय हो रहा है लड़कों के साथ, तो है ना। तो ये बेसिकली इस तरह से है कि मतलब पता ही आपको, लड़कियाँ तो लड़कियाँ ही हैं, तो उनको छोड़ने के लिए ज़्यादा लोगों को जाना पड़ता है। तो आप जा सकते हो, लड़कियों के लिए दो लोग जा सकते हैं, उनके मम्मी पापा दोनों जा सकते हैं, लड़कों के लिए माता या पिता में से एक जना जा सकता है छोड़ने के लिए। उसके बाद क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, बाकी डॉक्यूमेंट जो है मैंने कॉल लेटर में बता दिए कि आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। बाकी सबसे बड़ा जो डाउट है बच्चों को ये लग रहा है, प्रोविजनल TC का, अर्धवार्षिक मार्कशीट का 5वीं कक्षा का, तो ये बड़े डाउट है, आपको ये भी डाउट मैं क्लियर कर ही देता हूँ। देखिए प्रोविजनल TC का मतलब है डुप्लीकेट TC, है ना। मुझे पता है अच्छी तरह से, अभी 5वीं क्लास वालों की जो वार्षिक परीक्षा है वो अभी हुई नहीं है और मार्च से पहले पहले वो परीक्षा होने भी नहीं वाली है ना। नया सत्र शुरू होता है वो अप्रैल से होता है, तो अप्रैल में जाके TC मिल पाएगी, है ना। पर वो TC पहले ही मांग रहे हैं और बुला भी पा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो बच्चे कन्फ्यूज हैं कि TC कैसे मिल सकती है। तो
प्रोविजनल टीसी प्राप्त हो सकती है आपको, है ना। अर्धवार्षिकी आपके स्कूल वाले लेके देंगे कि अर्धवार्षिक पेपर हो गए, अर्धवार्षिक में इतने नंबर आए थे, मुख्य वार्षिक अभी हुई नहीं है परीक्षा, तो वो जैसे जैसे स्कूल वाले मैनेज करके देंगे। देखो स्कूल में जो भी शिक्षक हैं सब पढ़े लिखे होते हैं, आपको पढ़ाना है, आप उनको बोलिए। अगर उनको भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप मुझसे उनकी बात करवाइएगा, अजय भैया की, ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगा। कोई भी दिक्कत आ रही तो आप हमसे बात कर लेना। और मेडिकल में क्या चेक होगा, इंटरव्यू होता है नहीं, इसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। देखो इंटरव्यू बेसिकली इंटरव्यू ना के बराबर इंटरव्यू होता है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक रिटर्न टेस्ट होगा वहाँ पर, भले से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एडमिशन में हर बार चेंजेस होता है, अगर होगा तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। नॉर्मली इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर CBSE बोर्ड में पढ़ाई होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि इंग्लिश में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करो तो आपको इंट्रोड्यूस करना है, माने ये वो, माँ पापा का नाम, मेरा एड्रेस वगैरह वगैरह, मेरा स्कूल, कौन सी क्लास में हूँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पर आप अपने इंट्रोड्यूस के बारे में इंट्रोडक्शन देते टाइम बता सकते हो। और कोई मैथ का क्वेश्चन करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, तो एकदम से प्रिपेयर होकर जाना है, तैयारी करते रहना है रेगुलरली, और अजय भैया को भी याद करते रहना है। विद्यागंज स्कूल में सिलेक्शन हो जाए तो, है ना, हमारे साथ भी कनेक्ट रहना है, हमारा बहुत योगदान रहता है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने में, आपको सिलेक्शन दिलवाने में। तो बस यही था, और मेडिकल में क्या क्या चेक होगा उसके ऊपर भी मैं और कल वीडियो बना दूंगा, आप चिंता मत करो। और मैं आपको बता दूं मेडिकल का जो लिस्ट मेरे पास है यूट्यूब पर किसी के पास भी नहीं है, कोई सा भी चैनल हो मेडिकल के, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है किसी के पास नहीं है, केवल अजय भैया के पास आपके। तो चिंता मत करो, कल मैं वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखो। बाकी मैं काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा था, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट आपको बनाना, वरना मैं बिना किसी जानकारी के कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ, मुझे जितना जानकारी उतना यूट्यूब पर किसी को भी नहीं है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।